नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नहीं थ्योरम करेंगे, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे देखना है आपको कि दी जीरो एलिमेंट लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं। दी जीरो ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक, मतलब कि जो रिंग होता है उसमें जो जीरो एलिमेंट होता है, जीरो एलिमेंट पता ही क्या होता है आपको, जीरो एलिमेंट का मतलब यह कि आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसी को हम लोग जीरो एलिमेंट कहते हैं। जो जीरो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब कि जो पूरा रिंग होगा, मान लीजिए कोई एक रिंग होगा उसमें अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारा जीरो है जीरो एलिमेंट, तो वो यूनिक होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। क्या कोई भी नहीं हो सकता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट? बात क्लियर, बात आई समझ में? तो चलिए हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग 2 केस लेंगे। क्या क्या केस लेंगे कि लेट जीरो एंड जीरो डैश बी दी 2 जीरो ऑफ अ रिंग आर। मतलब कि एक रिंग है आर, उसका 2 जीरो मान लेते हैं, एक जीरो है और एक जीरो डैश है। तो जो जीरो का प्रॉपर्टी होता है, जो जीरो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। जीरो एलिमेंट का तो यही प्रॉपर्टी होता है कि उसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऐड कर दें तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। मतलब मान लेते हैं कि आपके पास ए है और उसमें आप जीरो को ऐड कर देते हैं, जीरो अगर जीरो एलिमेंट है तो आपको ए ही मिलेगा, या फिर इसी चीज यही बराबर होता है जीरो प्लस ए का। समझ में आया बात? अच्छा, अब मान लेते हैं कि एक तो मान लीजिए जीरो जीरो एलिमेंट है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और अगर जीरो डैश भी जीरो एलिमेंट हो जाए तो क्या होगा, ए प्लस जीरो डैश भी क्या हो जाएगा, ए ही होगा ना, क्योंकि ये भी जीरो का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और प्रॉपर्टी यही कहता है कि किसी के साथ ऐड कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अगर 2 चीज़ को मानते हैं, लेट जीरो एंड जीरो डैश बी दी 2 जीरो ऑफ अ रिंग आर, दिस इंप्लाइज ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और दूसरा इसके हिसाब से इस भी अपना जीरो का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा, ए प्लस जीरो डैश इज इक्वल टू ए, ए प्लस जीरो डैश इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आप रिलेशन 1 और रिलेशन 2 देखिए। रिलेशन 1 में क्या कहता है कि ए प्लस जीरो बराबर हो रहा है ए के, और ए प्लस जीरो डैश बराबर हो रहा है ए के। इसका मतलब हम यहाँ पे चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, हम थोड़ा सा कॉपी में दूसरे ढंग से किए हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हम उसको ईजी क्यों ना करें। फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या होगा हमारे पास, देखिए इसका दोनों का आर एच एस इक्वल है, मीन्स की तो दिस इंप्लाई एल एच एस भी इक्वल होगा, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए प्लस जीरो डैश। और आप अभी पिछले की क्लास में ही पढ़ा था आपने, कोई भी रिंग जो होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ दोनों लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ पे क्या बात आ रहा है कि इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो आपस में ये एक कैंसिल होगा, वो किसके हिसाब से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से। दिस इंप्लाई आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो डैश। ये चीज़ हमने 2 अलग अलग माना था जीरो एलिमेंट, और वो लास्ट टर्म दिखा दिए कि दोनों का दोनों इक्वल है। अगर हम 3 भी मानते तो भी हम दिखा देते कि तीनों का तीनों इक्वल है, अगर 4 भी मानते तो भी हम दिखा देते। इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस या हेंस द जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ जीरो भी लिख सकते हैं, जीरो एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक। समझ में आ गया ना, ये क्या हो गया, अब हो गया भैया यूनिक। अब हम लोग आते हैं, अच्छा दिस कंप्लीट दी प्रूफ भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, चलिए अब हम लोग आते हैं। देखिए हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा अच्छा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से किए थे प्रूफ, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। ये लालजी प्रसाद की बुक में कुछ इस तरीके से किया गया था, और एक के नारायण बुक है जो कर्नाटका के राइटर हैं, तो उनके बुक में जो अभी मैंने बताया उस तरीके से प्रूफ किया गया था, तो उससे मतलब नहीं है, प्रूफ दोनों सही है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है कैंसिलेशन लॉ तो उसका यूज तो करेंगे ना। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक। मतलब किसी भी रिंग का
कोई भी अगर एलिमेंट का इन्वर्स निकाला जाए एडिशन के रिस्पेक्ट में तो वो यूनिक होगा। क्लियर बात? तो वही चीज़ हम मान लेते हैं, इफ पॉसिबल लेट एक्स एंड वाई बी टू इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। मतलब हम मान लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए तो हम क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि ए अगर कोई एलिमेंट है आर का तो इसका एक इन्वर्स तो पक्का है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में एक इन्वर्स इसमें बिलोंग करेगा आर में। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इस ए एलिमेंट का एक से ज़्यादा यूनिक, मतलब एक से ज़्यादा इन्वर्स पोजेस करे रिंग आर में? तो उसी चीज़ को हम प्रूफ करेंगे कि ए का जो इन्वर्स होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में वो यूनिक होगा, मीन्स कि एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकता है। तो इसी चीज़ को हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन के माध्यम से। मतलब कि ए जो एलिमेंट है इसका दो इन्वर्स मान लेते हैं, जिस तरीके से हमने अभी जीरो को प्रूफ किया, जीरो एलिमेंट को, तो हम मान लेते हैं कि एक्स भी इसका इन्वर्स है और वाई भी इसका इन्वर्स है। तो आपको इन्वर्स का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इन्वर्स का प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर आप एडिशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसको इसके साथ अगर ऐड करेंगे तो आपको जीरो एलिमेंट मिलेगा, और ये भी अगर इन्वर्स है तो इसको भी ऐड करेंगे तो भी आपको जीरो एलिमेंट ही मिलेगा। फिर से वही आर एच एस इक्वल, तो एल एच एस भी इक्वल, दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वाई, दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, ए ए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल, दिस इम्प्लाई एक्स प्लस सॉरी एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक्स और वाई क्या था, दो अलग अलग इन्वर्स था ए का। तो वही चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं इफ पॉसिबल लेट एक्स एंड वाई बी दी टू इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई दैट ए एक्स इक्वल टू जीरो, ए प्लस एक्स इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस वाई इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वाई, और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए ए कैंसिल हुआ, दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू वाई, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? अब हम लोग आते हैं थर्ड केस की ओर। थर्ड थ्योरम है, छोटा छोटा ये सब थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है बट। तो थर्ड थ्योरम है कि इफ ए रिंग आर हैज़ यूनिटी एलिमेंट, मतलब कि अगर कोई एक रिंग है आर, उसके पास क्या है, यूनिटी एलिमेंट है, ठीक ना, इट इज़ यूनिक। मतलब इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि यूनिटी एलिमेंट ऑफ रिंग इज़ यूनिक। क्लियर? तो यूनिटी एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में होता है, यूनिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक ना, आपको पता होना चाहिए। और जीरो एलिमेंट किसके रिस्पेक्ट में होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में, और यूनिटी एलिमेंट को ही आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए बेसिक से ही। हम पहले क्लास में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो एलिमेंट जो होता है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में होता है, यूनिटी एलिमेंट कहें या आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं तो आपको किसके रिस्पेक्ट में है ये बताना होगा, और आप सिर्फ यूनिटी एलिमेंट कहते हैं तो आपको किसके रिस्पेक्ट में है ये नहीं बताना होगा, क्योंकि यूनिटी एलिमेंट से ही बात हो जाता है कि बात हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और उसी तरीके से अगर आप सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं तो आपको मेंशन करना होगा कि एडिशन वाला है कि मल्टीप्लिकेशन वाला है, और यदि जीरो एलिमेंट बोलते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि वो एडिशन वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इफ अ रिंग आर हैज अ यूनिटी एलिमेंट इट इज़ यूनिक। आप फिर से जी को ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिंग हैज़ अ यूनिक यूनिटी एलिमेंट या यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम उस चीज़ के लिए क्या मान लेंगे, दो ठो मान लेंगे। फिर वही केस जैसे हमने दो अभी प्रूफ किया, हम मान लेते हैं लेट ई एंड ई डैश आर टू मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी इन आर, दिस इम्प्लाई दैट ई ए इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए, और ई डैश ए इज इक्वल टू ए ई डैश इक्वल टू ए। समझ में आया ना? आप दो लिख सकते हैं, चाहे तो आप ई ए ही सिर्फ लिखिए और ई डैश ए ही लिखिए। तो आपको पता है कि ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, जैसा एलिमेंट है वैसा ही रहेगा। तो ई का ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या ए का ई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ए ही रहेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और उसी तरीके से ई डैश का भी है। तो आप देखिए दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप कह सकते हैं, आप यहाँ से भी वही केस यूज़ कर सकते हैं जो हम यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप प्रूफ कर दिए हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम रिलेशन वन एंड टू, ये तो आप प्रूफ कर सकते हैं, फ्रॉम रिलेशन वन एंड टू वी हैव, लिखिए फ्रॉम रिलेशन वन एंड टू वी हैव, क्या होगा हमारे पास, ई ए इज इक्वल टू ई डैश ए। हम सिर्फ इस केस को ले रहे हैं, ई ए इज इक्वल टू ए है और ई डैश ए इक्वल टू ए है, तो ए ए इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो हम इक्वल ले लिए और यहाँ ए ए कैंसिल हो जाएगा राइट कैंसिलेशन लॉ से, तो दिस इम्प्लाई दैट ई इक्वल टू ई डैश
हेंस दी रिजल्ट। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि हम दो अलग अलग माने और फिर लास्ट में दिखा दिए कि दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, इसका मतलब वो यूनिक होगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। समझ में आया? आप चाहे तो इस तरीके से भी जो प्रूफ है आप देखिए, यहाँ से एकदम समझ में आ ही जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में रिंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ और बातें हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।